हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी कॉल्ड रॉन्ग टर्न। ये मूवी ईयर 2021 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.5 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों, मूवी शुरू होती है और हम एक बूढ़े आदमी स्कॉट को देखते हैं जो कि अपनी बेटी जेन यानी के जेनिफर को ढूंढने के लिए वर्जीनिया की एक छोटी सी सिटी में आता है, जहां वो पुलिस के पास अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन करवाता है और कहता है कि मेरी बेटी और उसके फ्रेंड आज से 6 हफ्ते पहले यहां हाइकिंग करने आए थे। जेन ने अपने फादर से कहा था कि वो हर हफ्ते उन्हें अपडेट करती रहेगी, लेकिन पिछले 6 हफ्तों से उसकी कोई भी खबर नहीं आई है। पुलिस वाला उनकी कंप्लेन तो लिख लेता है, लेकिन वो इस खबर को लेकर इतना सीरियस नहीं होता। फिर स्कॉट वहाँ रह रहे कुछ लोगों से पूछताछ करते हुए एक बार में पहुँचता है, जहाँ एक बूढ़ा आदमी नेट उन्हें बताता है कि उसने इन बच्चों को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। साथ ही वो उनसे ये भी कहता है कि तुम उनका पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि वो वापस नहीं आने वाले, क्योंकि जंगल की तरफ जो भी जाता है वो वहाँ से वापस नहीं आता। आखिर जेन स्कॉट की बेटी थी तो वो उसे क्यों नहीं ढूंढता, इसीलिए वो उन्हें जंगलों की तरफ ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसके बाद हम 6 हफ्ते पहले का सीन देखते हैं, जहाँ जेन अपने बॉयफ्रेंड डेरियस और अपने 4 फ्रेंड एडम, मिला, कोरियस और लुइस के साथ वर्जीनिया के जंगल में हाइकिंग करने के लिए आई होती है। वो लोग टाउन पहुंचकर एक होटल में रुकते हैं, जहां की रिसेप्शन पर एक बूढ़ी औरत होती है। वो बूढ़ी औरत उन्हें कहती है कि जब भी हाइकिंग पर जाओ तो ट्रैक के अलावा अपना रास्ता मत बदलना, और वो सभी लोग वहां फ्रेश होकर एक बार में जाते हैं, जहां उनकी बहस एक बूढ़े आदमी नेट से हो जाती है। वो इस टाउन में घूमने के लिए आने वाले लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करता था। बार से निकलकर वो सभी लोग होटल चले जाते हैं और अगली सुबह होते ही जेन जॉगिंग के लिए निकल जाती है, और जॉगिंग करते हुए जेन एक स्टॉल पर रुकती है और यहाँ पर एक ओल्ड फैशन लड़की एडिथ ब्रेसलेट बेच रही होती है। वो उस लड़की से एक ब्रेसलेट खरीद लेती है। साथ ही स्टॉल से दूर वो एक बच्ची रोज को भी देखती है जो कि बोल नहीं सकती थी। फिर बिना कुछ सोचे जेन वापस होटल चली जाती है और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि सभी लोग तैयार होकर हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें हाइकिंग करते बस कुछ ही देर होती है और इतनी ही देर में डेरियस ट्रैक को छोड़कर उन जंगलों में एक पुराना किला देखने को कहता है। पहले तो जेन मना करती है कि हमें रास्ता नहीं बदलना चाहिए, लेकिन फिर भी डेरियस उसे मना लेता है और वो लोग ट्रैक को छोड़कर जंगलों के अंदर निकल जाते हैं, जहां कुछ देर बाद चढ़ाई से उड़ता हुआ दरख्त उनकी तरफ आता है, जिससे बाकी सब तो सिर्फ जख्मी होते हैं, लेकिन ग्रे उस दरख्त के नीचे दब जाता है और कुचलकर मारा जाता है। ये सब देखकर सब लोग डर जाते हैं और यहां से निकलने का फैसला करते हैं। कुछ देर रास्ता ढूंढने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो लोग रास्ता भटक चुके हैं। दूर दूर तक उनकी कोई भी मदद करने वाला नहीं होता और ना ही उनके फोन में नेटवर्क होता है। अब रात होने पर वही लोग कैंप लगाकर रुक जाते हैं। सुबह उठते ही मिला गायब होती है, और ना सिर्फ मिला बल्कि उन सभी लोगों के बैग से उनके फोन भी गायब होते हैं। फिर ये लोग मिला को ढूंढने निकल पड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र एक साइन बोर्ड पर पड़ती है, जहां दी फाउंडेशन कम्युनिटी के बारे में लिखा होता है। ये कम्युनिटी 12 फैमिलीज ने 1859 में बनाया था। इनका मानना था कि अमेरिका जल्द ही खत्म हो जाएगा और फिर हमारी अपनी हुकूमत होगी। ये लोग आगे बढ़ते हैं और एडम एक ट्रैप में फंस जाता है और इसके पैर में फंसी हुई जंजीर उसे कहीं खींच कर ले जाती है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम पहले मदद लाएंगे, फिर इसे बचा लेंगे। डेरियस, जेन और लुइस अपनी जान बचाते हुए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तब उन्हें एक अजीब सा घर दिखता है जिसमें बहुत सारे लोगों के फोन, ग्लासेस और सामान भी रखे हुए थे। ये देखकर पता चलता है कि यहाँ पर इनसे पहले भी बहुत से लोग फंस चुके थे, और ठीक उसी वक्त उनकी नजर 2 लोगों पर पड़ती है जिन्होंने अजीब से कपड़े पहने होते हैं और सर पर भेड़ों का मास्क लगाए एडम को उठाकर ले जा रहे होते हैं। डेरियस उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देता है और उनसे सवाल करने लगता है, लेकिन वो लोग किसी और ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। और इतनी ही देर में एडम भी उठ जाता है और उनमें से एक पर हमला करके उसे मार डालता है। मौका देखकर दूसरा बंदा वहां से भाग जाता है,
एडम को लगा था कि उन लोगों ने मीला को मार दिया है, इसीलिए उसने गुस्से में उसे मार दिया। लेकिन अचानक से मीला पीछे से आ जाती है और ये लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उन्हें बताती है कि वो फ्रेश होने गई थी और इन अजीब से दिखने वालों से डरकर छुप गई थी। ये सभी लोग तो पहले से ही डरे हुए थे और ये सुनकर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इतने में ही बहुत सारे लोग वैसे ही मास्क पहने उन्हें पकड़ने लगते हैं और इसी दौरान मीला एक ट्रैप में गिर जाती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। वो एडम से मदद मांगती है पर एडम जानता था कि अब उसे नहीं बचाया जा सकता। वो उसे छोड़कर चला जाता है। फिर वहीं पर एक मास्क वाला आदमी आकर मीला को तीर से मार देता है। अब क्योंकि वो जंगल उन्हीं लोगों का था इसलिए ये लोग यहाँ से भाग नहीं सकते थे और एक एक करके सब पकड़े जाते हैं। इन सब लोगों को मुंह पर मास्क चढ़ाकर एक जगह ले जाया जाता है जो उस कम्युनिटी की छोटी सी दुनिया होती है। और यहाँ हम उसी औरत एडिथ को भी देखते हैं जिससे टाउन में जेनी ने ब्रेसलेट को खरीदा था और वो ना बोलने वाली बच्ची भी उसी कम्युनिटी की थी। देखने में वो सभी आम लोग उसी जगह पर रहते थे। फिर उन्हें एक कमरे में भेज दिया जाता है जो उस कम्युनिटी का कोर्ट रूम था। वहाँ फाउंडेशन का हेड वेनिबल आता है और इन लोगों पर वो कत्ल करने के चार्जेस लगाता है। उन्हें ये भी मालूम हो जाता है कि एडिथ कोई और नहीं बल्कि वेनिबल की ही बेटी है। फिर वेनिबल एक और शख्स को बुलाता है जो कोई और नहीं बल्कि मास्क पहना हुआ वही दूसरा आदमी था जो कि एडम से बचकर भाग गया था। और जिस मास्क वाले आदमी को एडम ने मारा था वो उसका भाई था। फिर वो उसकी बातों को सुनता है जिसमें वो कहता है कि हम लोग शिकारी हैं और जानवरों का शिकार करने आए थे और वो सारे ट्रैप्स जो जंगल में बिछाए गए थे वो उसी कम्युनिटी ने बिछाए थे ताकि जानवर उसमें फंस जाएं। और गलती से एडम उसमें फंस गया था और वो उसे उठाकर रोड तक ले जा रहे थे ताकि कोई उसकी मदद करके उसे बचा ले। एडम को गलत फहमी हो गई और उसने उन पर हमला करके उसके भाई को मार डाला। और ये सुनने के बाद वेनेबल एडम को सजाए मौत सुनाता है और बाकी लोगों को झूठी गवाही और एडम का साथ देने के लिए अंधा करने की सजा सुनाता है क्योंकि गवाही के दौरान उसने जैन से पूछा था कि क्या एडम ने उसे मारा है, तो जैन ने एडम की जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया था। वो लोग बहुत गिड़गिड़ाते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन ये इलाका इनका था, यहाँ सिर्फ इनका कानून चलता था। फिर वेनेबल एडम को ठीक उसी तरह से मार देता है जैसे उसने उसके भाई को मारा था। अब बारी आती है अंधा करने की। इसमें सबसे पहले लुइस को पकड़कर उसकी आंखों में जलती हुई रॉड डालकर वेनेबल उसे अंधा कर देता है। लुइस के बाद वो डेरियस को अंधा करता है। जैन उससे एक डील करती है, वो डेरियस की खूबियां बताकर उसे वहाँ का सिपाही बनाने को कहती है। तब वेनिबल उससे पूछता है कि तुम क्या दे सकती हो, जिस पर वो खुद की कुर्बानी देकर वेनिबल की बीवी बनने का फैसला करती है। इस पर वेनिबल मान जाता है क्योंकि उसकी बीवी की डेथ एक साल पहले ही हो चुकी थी। और फिर वैसा ही होता है, डेरियस वहाँ के लोगों से मिल जाता है और जैन उसकी जरूरत पूरी करने वाली पार्टनर बन जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में जैन के फादर स्कॉट को देखते हैं जो उसी टाउन में उसी होटल में रुकता है जहां पर वो लोग रुके थे। वो ओल्ड लेडी रिसेप्शनिस्ट स्कॉट से फाउंडेशन की कहानी को शेयर करती है, जिस पर स्कॉट उससे कहता है कि कोई एक्शन क्यों नहीं लेता उन लोगों के खिलाफ। वो लेडी कहती है कि किसी को यकीन ही नहीं है कि उनकी कम्युनिटी अब तक जिंदा है। फिर हम देखते हैं कि रात में जब स्कॉट होटल में जा रहा होता है तब नेट और उसके साथी उस पर हमला कर देते हैं और वो लोग उसे थोड़ा सा जख्मी करके और डरा धमका कर उसे यहाँ से जाने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी मर चुकी होगी इसीलिए तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि स्कॉट हार ना मानकर उसी जंगल में जैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और होटल से निकलते ही वो ओल्ड लेडी स्कॉट की मदद करने को कहती है। वो स्कॉट को अपने भांजे से मिलाती है जो कि एक शिकारी होता है। वो स्कॉट को जंगल की तरफ का रास्ता दिखाने लेकर जाता है जहां कुछ ही कदमों की दूरी पर वो एक ट्रैप का शिकार होकर मारा जाता है। स्कॉट अकेला जंगलों में जैन को ढूंढ रहा था। इतने में रात हो जाती है। डेरियस जो अब उसी कम्युनिटी का हिस्सा हो गया था वो स्कॉट को पकड़ लेता है और उसे लाकर वो वेनिबल और कम्युनिटी के सामने पेश कर देता है जहां वो गन की मदद से सबको धमकाने की कोशिश करता है और अपनी बेटी जैन के बारे में पूछता है। उसी दौरान जैन एक तीर मारकर स्कॉट को खुद ही जख्मी कर देती है।
वो जैन को इस हालत में देखकर हैरान होता है। इससे पहले कि वो जैन से कुछ पूछताछ करता, तब तक वैनिबल आकर उसे बगैर इजाजत के अंदर आने के जुर्म में उसे अंधा करने की सजा सुनाता है। अब क्योंकि काफी ज्यादा रात हो चुकी होती है, इसीलिए सुबह सजा देने का फैसला होता है। फिर हम देखते हैं कि जैन चुपके से आती है और स्कॉट को आजाद करके वो स्कॉट को अपने साथ भागने को कहती है, क्योंकि स्कॉट यहाँ तक खुद ही आया था, इसलिए उसे वापस जाने का रास्ता भी मालूम था। इसलिए वो भागने से पहले डेरियस को भी साथ चलने को कहती है, लेकिन अब डेरियस इन्हीं लोगों की तरह हो चुका था, इसीलिए वो भागने से मना कर देता है। उसके बाद हम जैन को देखते हैं, जिसे एक ही रास्ता मालूम था बाहर का, जहाँ का दरवाजा आज बदकिस्मती से लॉक था। उतनी ही देर में वहाँ रूत आ जाती है और वो जैन को फंसाने की बजाय उसकी मदद करती है और उन्हें बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखाती है। और ये रास्ता उस गुफा से गुजरता था जहाँ अंधे हुए कैदी सजा काट रहे थे। यहाँ इतने ज्यादा लोग थे जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सालों से यहाँ जो भी आया है कोई भी वापस नहीं जा पाया और उन्हें यहाँ अंधा करके मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं जैन को लुईस भी दिखता है, जिसे वो गोली मारकर उसे इस दर्दनाक जिंदगी से आजाद कर देती है। फिर वहाँ से निकलने के बाद वैनिबल की बेटी एडिथ जैन पर हमला करती है, जिसमें जैन उसे भी मार डालती है। यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन जैन यहाँ रहते हुए बहुत स्ट्रांग हो गई थी और अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को मारते हुए वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन वहाँ वही बूढ़ा आदमी नेट अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो उनकी मदद करके उन्हें वहाँ से ले जाता है। वो उन लोगों को बताता है कि उसका एक भांजा था जिसे 6 साल पहले इन्हीं फाउंडेशन वालों ने मार दिया और आज तक उसकी लाश भी नहीं मिली। इसीलिए नेट स्कॉट को मार के धमकाया था ताकि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि उसे लगा था कि वो भी मारा जाएगा। अब ये लोग उनके साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं और जाते हुए उन्हें वैनिबल देख लेता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जैन और उसके फादर काफी हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, पर एक दिन अचानक से वैनिबल और लूथ उसके घर पहुंच जाते हैं। जैन ये देखकर बहुत घबरा जाती है और हैरान भी होती है। वैनिबल उसे वापस घर ले जाने आया था, क्योंकि उसे जैन ही नहीं बल्कि उसे अपना बच्चा भी चाहिए था। यहाँ हमें पता चलता है कि जैन अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब जैन के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि अगर वो वैनिबल के साथ नहीं जाती तो वो उसकी पूरी फैमिली को मार देता। जैन उससे एक वादा लेती है कि वो उसकी फैमिली को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और उसके बाद वो उसके साथ गाड़ी में बैठकर वापस चली जाती है। लेकिन यहाँ मूवी खत्म नहीं होती, बल्कि मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वो गाड़ी अचानक से अनबैलेंस हो जाती है और एक दरख्त से टकरा जाती है, और उसमें से जैन बाहर आती है और उसने उस वैन में मौजूद फाउंडेशन के सभी लोगों को मार दिया होता है, यहाँ तक के वैनिबल को भी, और वो लूथ को लेकर वापस अपने घर चली जाती है। और फिर ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।